वेलकम टू माय चैनल सीमाज फूड स्टेशन। आज हम बनाने जा रहे हैं कृष्ण भगवान के लिए दो तरह का भोग, पहला पंचामृत और दूसरा मखाने की खीर। तो चलिए हम शुरू करते हैं भोग बनाना। पहला भोग हम यहाँ पंचामृत बना रहे हैं, जिसके लिए एक बाउल में हम लेंगे 2 कप कच्चा दूध। तो ध्यान दीजिए, पंचामृत के लिए हम जब भी यूज़ करेंगे तो कच्चा दूध ही यूज़ करेंगे। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप दही, यानी कि 2 कप दूध और 1 कप दही। और दूध दही को हम अच्छे से मिला लेंगे और साथ ही ऐड करेंगे दही का आधा, यानी 1 कप दही के आधा कप शक्कर और शक्कर का आधा यानी 2 चम्मच हनी यानी कि शहद। और साथ ही ऐड करेंगे हम 1 चम्मच घी जो शहद का आधा है। यही रेशियो हम पूरे पंचामृत का रखेंगे। और लास्ट में ऐड करेंगे हम पंचमेवा यानी कि 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स। और इन सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरह। पंचामृत तैयार हो जाने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम तुलसी के पत्ते, क्योंकि इसके बिना तो कान्हा के भोग कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो लीजिए, तुलसी दल से सजा हुआ पंचामृत कान्हा के लिए तैयार है। पंचामृत बनाने के बाद अब हम बनाएंगे मखाने की खीर। मखाने की खीर बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप मखाना। और यहाँ हम घी का यूज़ नहीं करेंगे, बिना घी के ही मखाने को हम फ्राई करेंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मखाने को हम अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं मखाना बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है। तब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और अब हम सारे मखाने को एक मिक्सी जार में ऐड करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। मखाने को हम, आप देख सकते हैं, अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं। आपको चम्मच से हम दिखा रहे हैं। ये अच्छे से मखाने का बुरादा तैयार हो चुका है। इसे हम साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नारियल के बुरादा को साइड में रखने के बाद हम फिर से उसी पैन को ले लिए हैं और गैस के फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। और मीडियम फ्लेम पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब इसमें ऐड कर देंगे हम मखाना। यहाँ मखाने को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो मखाने को पहले घी में अच्छे से फ्राई कर लें, उसके बाद से इसे दरदरा कूट लें, या फिर चाकू से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। गैस के फ्लेम को हम हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो मखाने जल जाएंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम मखाने को क्रिस्पी करेंगे। मखाने को हमने अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं मखाने का कलर चेंज हो चुका है और ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो चुका है। तो अब इसे हम साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मखाने को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके उसी पैन को फिर से ले लिए हैं और इसमें ऐड करेंगे फिर से हम 2 चम्मच घी। घी के मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे काजू। यहाँ हम 15 से 20 काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम पर इस तरह से लगातार भूनते हुए फ्राई करेंगे। जब काजू को हम आधा फ्राई कर लेंगे तब इसमें ऐड करेंगे हम बादाम। बादाम को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं और अब बादाम और काजू दोनों को एक साथ हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर से उसी पैन को ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम 1 लीटर दूध। आप अपने आवश्यकतानुसार दूध को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हम एक बार मिला लेंगे क्योंकि नीचे में घी लगा हुआ है। यहाँ मैं उबला हुआ दूध यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर से हम इसे एक बार और उबालेंगे। और जब इसमें उबाल आ जाए तब इसमें ऐड कर देंगे हम स्वाद अनुसार चीनी। आप यहाँ मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। और इसे भी हम एक बार मिला लेंगे दूध के साथ। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब इसमें ऐड करेंगे हम फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हम केसर के कुछ धागे। ये ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा है तो करें, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसे कलर और स्वाद दोनों बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से मिलाने के बाद और अब इसमें ऐड करेंगे हम मखाने का बुरादा, जिसे हमने पहले बिना घी के भून के और
इसे ग्राइंड किया था उसे हम इसमें ऐड करेंगे और इसे भी हम दूध के साथ अच्छे से मिला लेंगे। ये आसानी से मिल जाता है, तो गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से मिलाकर हम 2 मिनट पकाएंगे, जिससे कि दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए। तो आप देख सकते हैं दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब इसमें ऐड कर देंगे हम कट किया हुआ मखाना। मखाना जिसे हमने काट करके फ्राई किया था उसे ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जिसे हमने फ्राई करके रखा था, और इन सभी को हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे इस तरह। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इस तरह से मिलाते हुए हम पकाएंगे। और अब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि सारे फ्लेवर अच्छे से मखाने के अंदर आ जाए। आप यहाँ देख सकते हैं 2 मिनट पकाने के बाद मखाने की खीर अच्छे से गाढ़ा हो चुकी है। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जहाँ मखाने की खीर को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे हम अच्छे से ठंडा करेंगे। मखाने की खीर को ठंडा करने के बाद चलिए हम इसे कान्हा के लिए तैयार करते हैं। तो एक बाउल में हम मखाने की खीर को इस तरह से डालेंगे। अगर आपको हमारी ये दोनों रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो लीजिए मखाने की खीर तैयार है और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे तुलसी जी की पत्ती। तो लीजिए कान्हा की भोग की मखाने की खीर तैयार है।